हेलो फ्रेंड्स, विक्की वाधवा रेड डेस्क क्रिकेट से। हमेशा की तरह आपका थैंक्स, आपकी सपोर्ट का थैंक्स। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम वीडियो लेके आते रहेंगे। कॉन्टेस्ट 15 बहुत ही मजेदार होने वाला है, वीडियो लास्ट तक देखिए। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप सबका। आपको पता है रेड डेस्क एक इंफॉर्मेटिव चैनल है जो प्रोवाइड कराता है आपको हर वो इंफॉर्मेशन डायरेक्ट फ्रॉम मेकिंग पॉइंट। हम क्रिकेट इक्विपमेंट्स बनाते हैं जलंधर में, और हमारी कोशिश रहती है कि आपको हर वो इंफॉर्मेशन जो आप जानना चाहते हैं क्रिकेट इक्विपमेंट के रिगार्डिंग आपको प्रोवाइड की जाए। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग, हार्ड टेनिस बॉल के बैट्स। हार्ड टेनिस बॉल, हैवी टेनिस बॉल क्रिकेट बहुत ज्यादा पॉपुलर है इंडिया में, इनफैक्ट सब कॉन्टिनेंट में। अलग अलग नामों से खेली जाती है। नेबरिंग कंट्री में ये टेप बॉल क्रिकेट होती है, हमारे यहाँ पे हार्ड टेनिस बॉल क्रिकेट होती है। और क्या क्रेज, जबरदस्त क्रेज, क्या जबरदस्त लेवल। वैसे ही बैट्स, तरह तरह के बैट, हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट और उसको सपोर्ट करने का लॉजिक उनके पास रेडी है। टेक्निकली वो क्या चाहते हैं, हम क्या बनाते हैं, सब डिटेलिंग आज की वीडियो में देखिए। सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है हार्ड टेनिस बॉल क्रिकेट में, डबल ब्लेड बैट। अब डबल ब्लेड बैट क्या होता है, कोई भी बैट जिसकी थिकनेस 45 mm से ज्यादा है उसको डबल ब्लेड बैट कहा जाता है। जोर से खेलना होता है, टेक्निक, टाइमिंग, सब साइड पे सिर्फ जोर की गेम। मैसिव बैट्स, इसीलिए आज का जो टॉपिक है वो है कि हम देखते हैं कि बैट्स के पीछे स्कूप्स क्यों होते हैं, और तरह तरह के स्कूप्स क्या होते हैं, और उसका मायने क्या होते हैं, उसकी डिटेलिंग क्या होती है, क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, क्यों है, सब कुछ आज के वीडियो में देखिए। जब भी हम हार्ड टेनिस बॉल बैट बनाते हैं, डबल ब्लेड का बनाते हैं, तो उसके लिए हमें नॉर्मल लकड़ी से डबल डायमेंशन की लकड़ी लेनी पड़ती है। ट्रेंड में है बैट एक्स्ट्राऑर्डिनरी लंबे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चौड़े, बहुत ज़्यादा लकड़ी लगती है बैट बनाने में, और बहुत स्ट्रेस है कि आपको बैट चाहिए 1 किलो के आसपास। कैसे पॉसिबल होता है या कैसे पॉसिबल नहीं होता है, क्यों सारे बैट एक जैसे नहीं बन पाते, थोड़ी सी डिटेलिंग एज अ मेकर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। जब लकड़ी एक नेचुरल प्रोडक्ट है, मैं आपको थोड़ा सा प्रोपोर्शनेटली बताता हूँ कि जब भी हम एक सॉ क्लेफ्ट निकालते हैं डबल ब्लेड की, उसमें 30 पीस होते हैं बहुत लाइट, 60 पीस होते हैं मीडियम वेट, 10 पीस बहुत भारी। इस वजह से सारे बैट एक जैसे नहीं बनते, इसी वजह से ही डिफरेंट तरह के स्कूप्स मार्केट में डाले जाते हैं। जब भी एक बैट डबल ब्लेड का बनता है वो रेडी होने से पहले कुछ ऐसा होता है नॉर्मल बैट जैसा, 45 mm थिकनेस, 4.5 इंच चौड़ा, 35 इंच लंबा, इसका वेट है 1322, ये लाइट वेट है। सेम डायमेंशन 45 mm प्लस 35 इंच लंबा, इसका वेट है 1563, मीडियम वेट। अब आपको बैट चाहिए 1 किलो के आसपास, डिफरेंट तरह के स्कूप्स के पीछे क्या कहानी है मैं आपको बताता हूं। देखिए जो तो है मीडियम वेट बैट, उसके पीछे आते हैं ये बड़े कैप्सूल स्कूप। जरूरत पड़े तो यहां पे छोटे कैप्सूल्स भी आ जाते हैं। मीडियम वेटेड जो बैट्स होते हैं उनके लिए ये बड़े स्कूप्स होते हैं, थिकनेस 45 mm। ध्यान से सुनते रहिए, मैं वीडियो कंक्लूड के ऊपर आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आऊंगा।
ये भी कैप्सूल स्कूप है, थोड़ी सी डिजाइनिंग है, फर्क कुछ नहीं है परफॉर्मेंस का, और रिड्यूस किया हुआ है, जहां जहां जगह मिली वहां वहां हमने स्कूपिंग कर दी। कारण आपको देना है 1 किलो के आसपास का बैट। बैट हल्का था, बड़ा कैप्सूल स्कूप निकालने की जरूरत नहीं है, पतले निकाल दिए, थोड़ी और लकड़ ऐड ऑन होगी पीछे। बट हम पाकिस्तान में देखते हैं, वहां पे तो कोई स्कूपिंग नहीं चलती, वहां पे तो समझो काइंड ऑफ डबल फेस्ड बैट ही होता है, पीछे भी बिल्कुल फ्लैट, आगे भी बिल्कुल फ्लैट। तो जब भी आपने बैट लेना है, आप सिर्फ ये जो थिकनेस ले रहे हैं, ये आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ले रहे हैं, बाकी जो आपके स्ट्रोक्स जा रहे हैं ना, वो आपके जोर में जा रहे हैं, क्योंकि ये थिकनेस तो यहां पे ही है, यहां पे सिर्फ, यहां पे सिर्फ, यहां से तो बिल्कुल फ्लैट ही है, यहां से, यहां पर तो पीछे तो कुछ नहीं है। ये थिकनेस एक फील देती है आपको। हमारे हर जो भी मॉडल हम बनाते हैं, हर एरिया में वो चलते हैं, जो भी परफॉर्मेंस होती है, चाहे वो डबल ब्लेड है, चाहे वो ट्रिपल ब्लेड जो आजकल चला हुआ है, वो एजेस परफॉर्मेंस में यूज नहीं हो रहे, वो सिर्फ आपको एक खेलने में फील देते हैं, क्योंकि अंदर का जो क्रस्ट है, चाहे वो आप सिंगल ब्लेड ले लो, चाहे डबल ले लो, चाहे ट्रिपल ले लो, यहां से ये उतना ही रहना है, ये चीज सिर्फ आपको दिख रही है। तो कोई भी बैट लेने के लिए आप बहुत ज्यादा फंसी ना होइए कि जी मुझे ट्रिपल ही लेना है। और हम मेकर क्या, कोई भी मेकर, कोई भी लाइन, जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है उसका रेट शूट हो जाता है। आज का वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि जो 30% लकड़ी हमारे पास हल्की हल्की आती है, या किसी भी मेकर के पास जाती है, उसके प्राइस बढ़ जाते हैं, बढ़ चुके हैं और बढ़ते रहेंगे। हमारे पास तो आज की डेट में ऐसे प्लेयर हैं कि जी हमें यही बैट चाहिए, आप इंग्लिश विलो में बना दो, वी आर रेडी टू पे फॉर दैट, जिसकी जरूरत नहीं है। ये जो एजेस हैं, ये नहीं खेल रहे, खेल क्या रहा है, सिंगल ब्लेड में भी यही है, डबल में भी यही है, ट्रिपल में भी यही है। आपकी थोड़ी सी कंफ्यूजन बैट बाय करने के लिए, ज्यादा फंसी ना होइए, उसको दूर करने के लिए मैं सारी डिटेलिंग बता रहा हूं कि ये जो स्कूपिंग सिंगल में भी उतनी है, डबल में भी उतनी है, ट्रिपल में भी उतनी है, आपके छक्के आपकी जान से बच रहे हैं। बैट की थिकनेस खेलने वाली तीनों बैटों में उतनी है, एक में भी उतनी, दो में भी उतनी, ट्रिपल ब्लेड में भी उतनी। दूसरी बात, वेट के ऊपर आते हैं, लाइट होता होता वेट 11.5 से 11 या 11 से 10.50, 10.50 से 1 किलो, 1 किलो से 950 ग्राम। भाई हमने तो बनाई जाना है, मेकर सारा कुछ कर सकता है, बना सकता है, उसने बनाई देना, एग्जैक्टली राइट क्या है। 60 ग्राम से बॉल से शुरू हुई थी टेनिस बॉल क्रिकेट, आज 135 ग्राम, 140 ग्राम तक पहुंच चुकी है। 155 ग्राम का लेदर बॉल होता है, 140 ग्राम तक टेनिस बॉल पहुंच चुकी है। तो भाई उसको झेलने के लिए कुछ लकड़ी की डेंसिटी होना बहुत जरूरी है। कोई भी बैट एज अ मेकर, एज अ क्रिकेटर, जितनी भी मैं क्रिकेट समझ रखता हूं, मैं 140 ग्राम के बॉल को हिट करने के लिए आपके बैट का कम से कम वजन 1100 ग्राम, 1 किलो 75 से लेके 1125 ग्राम, 1150 ग्राम तक होगा तो आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं जी, मैं 950 से भी बहुत अच्छे रिजल्ट ले रहा हूं, आप एक बार ट्राई करो, आपके रिजल्ट फीके पड़ जाएंगे जो आप मेरे द्वारा रिकमेंडेड बैट का वेट यूज करोगे। डिफरेंस आपके सामने होगा, आपकी परफॉर्मेंस, आपके स्ट्रोक में। तीसरा, बेंडिंग। हम बहुत से ब्रांड्स देखते हैं, उन्होंने
मरीज बनाया हुआ है बेड को, छः छः जगह पे बेंडिंग है, एक दो, तीन, चार, पांच, उसकी क्या जरूरत होती है? उसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है नीचे बाइंडिंग की। कारण, मोस्ट ऑफ द हार्ड बॉल क्रिकेट सीमेंटेड पे खेली जाती है, बैट घिस जाते हैं, बहुत जोर से हिट होता है, तो टो क्रैक होने से बच जाती है, टो घिसने से बच सकती है। एक और आप एक टिप की तरह नोट कीजिए कि जब भी आप बैट बाय करें, डबल ब्लेड, सिंगल ब्लेड, जिसमें भी स्कूप है, उसकी ये वॉल्स जो है ये बहुत पतली हो जाती हैं। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, एक सेंटर में बाइंडिंग कर सकते हैं, जस्ट एज अ प्रिकॉशनरी, फर्क उससे कुछ नहीं पड़ना, बट एक कुशन हो जाता है ये साइड वॉल्स को जो पतली हैं। मेकर के ऊपर आप डिपेंड मत रहिए, बैट बाय कीजिए, सिंपल काम है, बैट के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बैट के साथ अटैच होइए, थोड़ी मेहनत कीजिए उसके साथ, तो बैट के साथ आपकी जो अटैचमेंट हो जाएगी, तो आप बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से बैट चलाएंगे और आपके पैसे बिल्कुल पूरे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि वेट के रिगार्डिंग और डबल, ट्रिपल, सिंगल ब्लेड की सारी कंफ्यूजन आपको दूर होगी होगी, कुछ और भी रहा होगा, क्योंकि हमने जब से टेनिस, हार्ड टेनिस बॉल बैट के दो चार बैक टू बैक वीडियो के हमें बहुत सी क्वेरीज हैं, और मुझे लग रहा है कि ये खत्म नहीं होने वाला, और बहुत माइन्यूटली, क्या बात है यार, मतलब इतनी बारीकी से आप क्रिकेट खेलते हो, देखने वाला सोचता है कि यार ये टाइम पास कर रहे हैं, असली क्रिकेट तो लेदर बॉल क्रिकेट है, ऐसा नहीं है, इतनी डिटेलिंग, इतनी बारीकी। थैंक्स अ लॉट, बहुत मजा आ रहा है। आप ऐसे ही क्वेरीज भेजते रहिए, हमारी कोशिश रहेगी कि आपको हर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके जो हमारे एक्सपीरियंस से सही है एज अ मेकर। कॉन्टेस्ट 15, आपको गेस करना है उस प्लेयर का नाम जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा जीरो बनाए हैं। यू नीड टू गेस द नेम ऑफ प्लेयर हु स्कोर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ डक्स, जीरोस इन इंटरनेशनल क्रिकेट। आपको 1 जुलाई तक अपनी एंट्रीज भेजनी है। जीतने वाले को मिलेगा रेड डाइस की तरफ से टॉप ऑफ द लाइन कश्मीर विलो मांबा बैट। मुझे खुशी होगी कोई हार्ड टेनिस बॉल खेलने वाला इस बार विनर हो और हम उसको रेड डाइस का, हार्ड टेनिस बॉल का डिजायर्ड वेरिएंट, जो भी वो कहेगा, हम उसको जरूर देंगे। सिर्फ 3 क्राइटेरिया। यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, और वीडियो आगे से आगे भेजिए, सब ग्रुप्स में भेजिए, अच्छा लगे तो आगे से आगे शेयर करो, हमें मोटिवेशन मिलेगी, सो दैट बहुत से लोग जुड़ने चाहिए, सबके पास ये इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, हमारे पास ढेर लगने चाहिए क्वेश्चंस के। आप ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।